दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय बद्दी यूनिवर्सिटी सोलन। सीएम के निर्देश, सभी रेस्ट हाउस का किराया बढ़ेगा, बुकिंग भी ऑनलाइन होगी। सुक्खू सरकार का ऐलान, 1% ब्याज पर 20 लाख का एजुकेशन लोन। गवर्नर से मुलाकात के बाद सीएम का ऐलान, 18 से 25 सितंबर तक चलेगा विधानसभा सत्र। खतरनाक पेड़ हटाने को युद्ध स्तर पर मुहिम छेड़ेगा वन विभाग, विशेष अभियान चलेगा। अल्पसंख्यक वर्ग छात्र स्कॉलरशिप के लिए आधार ऑथेंटिकेशन की डेट 8 सितंबर तक बढ़ी। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों को पहली किश्त जारी, प्रत्येक स्कूल को 1.5 करोड़ मिले। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को बताई आपदा से नुकसान की स्थिति, राज्यपाल बोले सरकार ने संभाल लिया। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार की विकास परियोजनाओं और प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित सभी प्रशासनिक सचिवों की मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों को लंबित परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि इनका लाभ लोगों तक शीघ्र पहुँचाया जा सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार की विकास परियोजनाओं और प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित सभी प्रशासनिक सचिवों की मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों को लंबित परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि इनका लाभ लोगों तक शीघ्र पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने डिजिटल कार्य पद्धति के महत्व पर बल देते हुए अधिकारियों से कार्य निष्पादन में तेजी लाने के दृष्टिगत ई फाइल प्रणाली का उपयोग करने को कहा। सुक्खू ने विभिन्न विभागों के विश्राम गृहों की दरों में समानता लाने के निर्देश दिए और कहा कि विश्राम गृहों की बुकिंग भी ऑनलाइन की जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना समय की मांग है और वन विभाग को इस दिशा में तत्परता से कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़कों के सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और प्रदेशवासियों को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रस्तावित पर्यटन परियोजनाओं की भी समीक्षा की और उन्हें शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क सहित आगामी परियोजनाओं की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने पात्र हिमाचली विद्यार्थियों को 1% ब्याज की दर पर ऋण प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि इस योजना से ये सुनिश्चित होगा कि राज्य का कोई भी युवा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण उच्च या व्यावसायिक शिक्षा से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने पात्र हिमाचली विद्यार्थियों को 1% ब्याज की दर पर ऋण प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि इस योजना से यह सुनिश्चित होगा कि राज्य का कोई भी युवा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण उच्च या व्यावसायिक शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जिस परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम है उस परिवार का छात्र इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां बैंक को शुल्क राशि की पहली किश्त जारी करने में समय लग रहा है, संबंधित संस्थान को शुल्क राशि की पहली किश्त जारी करने के लिए सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालय के स्तर पर एक कोष बनाया जाएगा ताकि छात्र को संस्थान में प्रवेश लेने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन के कारण हुई जानमाल की क्षति से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन के कारण हुई जानमाल की क्षति से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को 18 से 25 सितंबर तक शिमला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के बारे में भी जानकारी दी। इस सत्र के दौरान 7 बैठकें प्रस्तावित हैं। इस मुलाकात के बाद राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र इस बार थोड़ा लेट है और इसकी वजह राज्य में आई प्राकृतिक आपदा है। जो है वो 18 से 25 तारीख के बीच में रहेगा, 7 दिन का होगा, क्योंकि थोड़ा डिले इसलिए किया गया है क्योंकि मानसून सत्र का जो आगाज है वो
जब शुरू हो जाता है तो सारे अधिकारी उसी काम में लग जाते हैं, सारा पुलिस प्रशासन उसी काम में लग जाते हैं। विपक्ष के साथी बेवजह इस बारे में विवाद कर रहे थे, जबकि राज्य सरकार शुरू से ही मानसून सत्र आयोजित करने को लेकर स्पष्ट थी। तो हमने कहा कि आपदा आई है, इसको थोड़ा डिले कर दिया जाए। मानसून सत्र होना था, इसको कोई कैंसिल थोड़ी कर सकता था, हमारी तो मैंडेटरी है। तो लेकिन आपदा के कारण इसको थोड़ा डिले किया गया है, और जिस प्रकार की आपदा आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी सोचना चाहिए। यदि अगस्त महीने में ही सत्र कर लिया जाता तो सारा सरकारी अमला विधानसभा सत्र के सवालों के जवाब तैयार करने में जुट जाता, और इससे राहत और पुनर्वास कार्यों में बाधा उत्पन्न होती। ये सारा डिप्टी कमिश्नर का प्रशासन इस काम में लग जाएगा, सारे सेक्रेटरी का प्रशासन इस काम में लग जाएगा, डायरेक्टर ऑफिस का प्रशासन इस काम में लग जाएगा, मानसून सत्रों के क्वेश्चन के आंसर देने में चर्चा पर ही लग जाएगा, पुलिस प्रशासन के 3000 सिपाही इस काम में लग जाएंगे। तो जो आपदा में प्रभावित परिवार, उनको राहत कौन पहुँचाएगा? आपदा में प्रभावित परिवारों का देख रेख कौन करेगा? इसलिए डिले हुआ है। तो आगे मौसम साफ होने की संभावना है, तो इस दृष्टिकोण से उसको 18 तारीख से किया जाए। गौरतलब है कि विधानसभा का मानसून सत्र सामान्य तौर पर अगस्त में ही होता रहा है, और हिमाचल विधानसभा में हर 6 माह के भीतर एक बार सत्र करना आवश्यक है। इस तरह से 6 अक्टूबर से पहले सत्र करना जरूरी था, और 30 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया क्योंकि विदेशी दौरे पर जा रहे हैं, इसलिए अब 18 सितंबर से मानसून सत्र का शेड्यूल तय हुआ है। आफत बने देवदार के पेड़ों को हटाने में वन विभाग अब मानक संचालन प्रक्रिया तय करेगा, ताकि पेड़ों की शिकायत मिलने के कम समय में इन्हें ठिकाने लगाया जा सके। पेड़ों को बचाने के लिए भी बड़े पैमाने पर मुहिम छेड़ी जाएगी। आफत बने देवदार के पेड़ों को हटाने में वन विभाग अब मानक संचालन प्रक्रिया तय करेगा, ताकि पेड़ों की शिकायत मिलने के कम समय में इन्हें ठिकाने लगाया जा सके। साथ ही पेड़ों को बचाने के लिए भी बड़े पैमाने पर मुहिम छेड़ी जाएगी। प्रदेश की राजधानी में यह अभियान शुरू होगा, और भविष्य में इसे डलहौजी, मनाली और मैक्लोडगंज समेत अन्य पर्यटक स्थलों में लागू किया जाएगा। इसके निर्देश वन विभाग के प्रधान मुख्य अरण्यपाल और वन बल प्रमुख राजीव कुमार ने जारी किए हैं। वे राजधानी में बीते दिनों आफत बने देवदार के पेड़ों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सिलसिलेवार गिरे देवदार के पेड़ों पर भी व्यापक चर्चा की गई। राजीव कुमार ने कहा कि राजधानी में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान विभिन्न भवनों, पेड़ों और भूस्खलन से नुकसान पहुंचा है। इस नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जो पेड़ इस दौरान धराशाही हुए हैं, उन्हें भी हटाने के प्रबंध किए गए हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप स्कीम के लिए शिक्षा विभाग ने आधार की बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की डेट को आगे बढ़ा दिया है। विद्यार्थी मान्यता प्राप्त लोकमित्र केंद्र पर जाकर 8 सितंबर तक अपने आधार का प्रमाणीकरण करवा सकते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप स्कीम के लिए शिक्षा विभाग ने आधार की बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की डेट को आगे बढ़ा दिया है। विद्यार्थी मान्यता प्राप्त लोकमित्र केंद्रों पर जाकर 8 सितंबर तक अपने आधार का प्रमाणीकरण करा सकते हैं। पहले आधार के प्रमाणीकरण की डेट 25 अगस्त तक थी, लेकिन प्रदेश में बारिश के चलते सड़क मार्ग बंद होने से बहुत से विद्यार्थी आधार का प्रमाणीकरण नहीं कर पाए थे। ऐसे में शिक्षा विभाग ने डेट को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभाग द्वारा पूर्व में ही कुछ चिन्हित लोकमित्र केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। नए शेड्यूल के अनुसार 31 अगस्त तक विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के आधार को अपलोड किया जाएगा। 6 सितंबर तक INO द्वारा आवेदनों की जांच की जाएगी। इसके बाद SNO द्वारा 8 सितंबर तक आवेदनों को वेरीफाई किया जाना है। प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल के निर्माण को प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रदेश के 18 विधानसभा क्षेत्रों में बनने वाले डे बोर्डिंग स्कूलों को प्रशासनिक मंजूरी के बाद बजट की पहली किश्त जारी हुई है। प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रदेश के 18 विधानसभा क्षेत्रों में बनने वाले डे बोर्डिंग स्कूलों को प्रशासनिक मंजूरी के बाद बजट की पहली किश्त जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पहली किश्त में प्रत्येक स्कूल के निर्माण को पहली किश्त के रूप में 1.5 करोड़ प्रति स्कूल के हिसाब से राशि जारी हुई है। अब आगामी दिनों में जल्द ही प्रदेश के 18 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण कार्य शुरू होगा। प्रदेश के इन 18 स्कूलों में बिलासपुर जिला में 1, हमीरपुर में 4, कांगड़ा जिला में 8, किन्नौर में 1, शिमला में 1, सिरमौर में 1 और ऊना जिला के 2 स्कूलों के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी मिली है। इसके अलावा अन्य 50 स्कूलों के निर्माण को लेकर भी प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। स्कूल की जमीन से संबंधित औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शेष 50 स्कूलों का निर्माण को भी बजट जारी होगा।
दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तेनु रब मने। हिमाचली जूनियर और सीनियर सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका। गोल्डन चांस फॉर ऑनलाइन ऑडिशंस, अप्लाई नाउ। पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। विजेताओं को मिलेंगे नगद इनाम। जूनियर्स के लिए एज लिमिट 8 से 16 साल और सीनियर्स के लिए 17 साल और अधिकतम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट कर राज्यपाल को प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन के कारण हुई जानमाल की क्षति से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन के कारण हुई जानमाल की क्षति से अवगत करवाया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों और प्रभावितों के पुनर्वास के लिए किए गए कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और सड़क एवं परिवहन व्यवस्था को सुचारू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को 18 से 25 सितंबर तक शिमला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के बारे में भी जानकारी दी। राज्यपाल ने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में पूरा प्रदेश प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की सराहना करते हुए कहा कि बचाव एवं राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए गए जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। बद्दी यूनिवर्सिटी सिचुएटेड एट एशियाज लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल हब। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिया शर्मा। एज आई एम प्लेस्ड इन TCS, एक्सेंचर एंड विप्रो। आई एम वन ऑफ दोस फॉर्चुनेट स्टूडेंट हु गेट प्लेस्ड इन ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज एज एन इंटर्न having a stipend of 21,000. From the training and placement activities and department over here, I have been placed into 8 industries. But I have chosen Hindustan Unilever as a start to my career. This university offers me a splendid opportunity to work with Byju's with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. My name is Rizal and I am a student of BSc Agriculture at the University of Emerging Sciences and Technology. As I am placed at Himalayan Organization of Organic Agri-Product Research and Developmental Organization. Hi, my name is Pankaj Thakur, working at Byju's with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. I would highly recommend you to join this university program. Thank you so much. We have provided 100% placements. Get guaranteed placement. Over 300 plus corporates have hired. Various outdoor facilities. Sports activities at International Cricket Academy. Apply now at Buddy University. चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। घुमारवी में थाने ले जाते वक्त आरोपी ने फाड़ी पुलिस की वर्दी, भागने की कोशिश नाकाम। ऊना में अवैध खनन पर लगाम कसेगी QRT। हिमाचल पंजाब सीमा पर मरवाड़ी में 11 जवान तैनात। गगरेट में मिले हजारों साल पुराने हाथी के दांत के अवशेष। जाटला कोड़ी गांव में मंदिर में जा रहे युवकों ने पहाड़ी से गिरे मलबे से किए बरामद। शिव भक्ति में झूमे भद्रवाही श्रद्धालु, रक्षाबंधन पर मणिमहेश के पवित्र डल में लगाएंगे आस्था की डुबकी। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।